भारतीय संविधान में वर्णित 8वें मौलिक कर्तव्य में नागरिकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना विकसित करने की अपेक्षा की जाती है। यकीनन आजादी के बाद से देश ने ऐसी कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तो भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ा है, वो पूरी दुनिया के सामने एक बेहतरीन मिसाल है। ऐसे में नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली रूढ़िवादी सोच का त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, ताकि देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। In a country like ours, be it in a social sense, be it in an economic sense, be it in any other sense, unless we have scientific temper, we will not be able to overcome various national challenges like hunger, backwardness, ill-treating certain communities, our superstitions and so on. रूढ़िवादिता जो है वो समाप्त होनी चाहिए, अंधविश्वास समाप्त होने चाहिए और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक तार्किक सोच होना चाहिए। नवे मौलिक कर्तव्य के मुताबिक हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। अक्सर हड़ताल, बंद, धरना प्रदर्शन और रैलियों के दौरान हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जबकि हमें अपने अंदर ये भावना जगानी होगी कि राष्ट्र की हर संपत्ति हमारी अपनी है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। दुनिया को अहिंसा का उपदेश देने वाले भारत देश के नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वो हर प्रकार की हिंसा से दूर रहें और विश्व शांति के लिए मिलजुल कर प्रयास करें। निशांत सौरभ, DD News, दिल्ली।